अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख ज़वार रज़ा जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। हम्द व सना रब्बुल इज़्ज़त की, दुरूद व सलाम मोहब्बत वाले मोहम्मद। वीकली हॉरोस्कोप की वीडियो के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। एरीज वीकली हॉरोस्कोप 22 से 28 सितंबर, आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा? एरीज, इस हफ्ते में तीन बड़ी तब्दीलियां हैं। सन अपना घर चेंज कर रहा है, मरकरी कर रहा है, वीनस कर रहा है। आपके शादी अज़दवाजी मामलात, आपकी लव लाइफ, आपकी मंगनी शादी दोनों, और फिर आपका विजडम, आपके जिसको हम कहते हैं बच्चों से रिलेटेड मामलात, आपके आपके एजुकेशन से रिलेटेड मामलात, इसके अलावा आपकी फाइनेंसेस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपके फाइनेंसेस, इसमें कुछ ड्रामाई तब्दीलियां हैं। आपके बहन भाइयों के साथ आपका रिलेशनशिप, आपकी हेल्थ, जॉब और ये चीज़ें जो हैं वो इस हफ्ते से आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत जो है वो इख्तियार करने वाली है। ड्रामाई तब्दीलियाँ हैं और तीनों एक ही हफ्ते में जो है वो आ रही हैं, सो आपको इसके ऊपर जो है फोकस करने की ज़रूरत होगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर पुश कर लीजिएगा ताकि बर वक्त आपको तमाम वीडियोस मिलती रहे। दीगर जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे भी बहुत कुछ इन वीडियोस के अलावा आपके जो है नॉलेज के लिए स्प्रेड किया जा रहा है, जरूर देख लीजिएगा। शरफ कमर 20 सितंबर को था, उम्मीद है कि ये वीडियो जब आपके पास आएगी तो अभी 20 सितंबर में टाइम होगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी, बल्कि अभी भी टाइम अगर आपके पास है तो ज़रूर देख लीजिए और उससे मुस्तफ़िद आप हो सकेंगे। सबसे पहला जो आ रहा है वो ड्रामाई तब्दीली, वो 22 सितंबर को, इस हफ्ते की बिल्कुल बिगनिंग को पहले दिन ही आ जाएगी, जबकि सन आपके जायचे के 7th हाउस में आ जाएगा। सन का 7th हाउस में आना चीज़ों के बैलेंस होने की तरफ जो है वो निशानदेही जो है वो कर रहा है। वीनस ऑलरेडी आपके जायचे के 7वें घर में मौजूद था और इसने आपकी तवज्जो काफ़ी सारी इस तरफ करवाई। अब मजीद सन जो है वो इस तरफ लेके आएगा। आपका बाहमी प्यार मोहब्बत जो है वो बहुत डेवलप हुआ पिछले एक महीने में बहुत सारा, और आपकी शादी तय करने के इम्कान भी यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा रोशन हुआ है। अच्छा, सन यहाँ पे आके कुछ मिले जुले जो है वो इम्पैक्ट देता है। सन आपकी तवज्जो इस तरफ लेके आएगा, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को अहमियत देंगे, उनको आगे लेके चलेंगे, आप बाहमी रजामंदी से जो है मामलात को बेहतर कर सकते हैं। पसंद की शादी होने के चांसेज आपके जो हैं वो भी बढ़ जाएंगे। फिर इसी हफ्ते में मरकरी भी जो है वो यहीं पर आ जाएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा, एंड रिजल्ट ये है कि आपकी इस तरफ तवज्जो बहुत ज़्यादा होगी। आप कन्वर्सेशन के थ्रू अपने पार्टनर के साथ अपने रिलेशनशिप को जो है उसको बैलेंस करने की तरफ जाएंगे और आप जो है हर तरह के मामलात को, जिसमें के आपकी स्पेशली आपके जो अपने सिबलिंग्स हैं उनसे रिलेटेड मामलात को जो है वो आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बट इस कन्वर्सेशन में आपको छोटा सा जो इशू आएगा वो ही आएगा कि शायद दूसरा पर्सन ये समझे कि आपकी नज़र इल्तफात इतनी ज़्यादा है कि सारी पावर, सारी अथॉरिटी जो है वो उसके पास आ गई, और यहाँ पे थोड़ा सा ईगो का आंसर भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं देखूँ तो मामलात कन्वर्सेशन से ही हल होंगे और मामलात अगली तरफ जो है वो जाते मुझे नज़र आते हैं। एक चीज़ यहाँ पे बहुत ही अहम है जो कि मैं आपको गाइड करना चाहूँगा, वीनस वो सियारा है जो कि आपके 7वें घर का लॉर्ड था, यानी शराकती अज़वाजी मामलात। अब ये 23 तारीख को, 22 को सन आएगा तो 23 को ये निकल के जो है वो आगे चला जाएगा, जो एक्चुअली मेज़बान था इस घर का, अब वो चला जाएगा 8वें घर में जो कि वबाल का घर है। उसके 7वें का लॉर्ड अगर 8वें में जाता है तो ये कुछ मामलात को डिस्टर्ब होता भी दिखाता है। सो आपके प्यार मोहब्बत में थोड़ी सी कमी का इजहार भी जो है होता है। आप अब थोड़ा सा फियर फैक्टर में जा सकते हैं इस मामले में कि भाई ये आपने तो बड़े अच्छे अंदाज में इसको लेके आगे बढ़े थे, लेकिन मामला जो है वो थोड़ा चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसको बेहतर करने के लिए 26 सितंबर को मरकरी यहाँ पे आ जाएगा जो कि कन्वर्सेशन का सही आ रहा है। आपके तीसरे घर का गुफ्तगू, स्पीच और अपने ख्यालात का इजहार आप अपने स्पाउस के साथ जो है वो अच्छा इजहार कर सकेंगे और इस तरह मामलात इंशाल्लाह अगले दिनों में टैकल हो जाएंगे। अब यहाँ पे करना क्या है, आपको ये ख्याल करना है कि सारी पावर, सारी अथॉरिटी जो है वो नहीं ड्रॉप करनी, वो नहीं उधर ट्रांसफ़र करनी, वरना जो अभी आप कर लेंगे उसकी उसको बाद में आपको जो है वो भरपाई करनी पड़ सकती है। नंबर एक। नंबर दो, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस नज़र आती है आपकी फिजिकल अटैचमेंट जो अपने स्पाउस के साथ है उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम नज़र आती है। नंबर तीन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैंने ये कहा था कि फाइनेंसिस के जो मामला आते हैं वो अब सर उठाएंगे। अब चूंकि वीनस आपके दूसरे खाना माल का भी लॉर्ड है, 8वें घर में आ रहे, तो अनएक्सपेक्टेड अखराजात जो हैं वो आपके सामने आएंगे ना चाहते हुए भी, और इस हवाले से आप कुछ फियर फैक्टर का शिकार होंगे, हो सकते हैं खुदा ना खास्ता कि अगर आपने ओवर स्पेंडिंग कर ली, तो इसको अभी से आपने जो है थोड़ा सा जेहन में रखना है।
पता होने का मकसद यही होता है कि आप उसको ज़हन में रखें और उसको अच्छे अंदाज में आगे जो है वो लेके चलें, आप तक सरवाइव कर सकें। यहाँ पे एक सदका मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, हर जुमे को 600 ग्राम चीनी का सदका देना अपना मामूल बना लीजिए, या 6 किलो दीजिए, जो भी आप अफोर्ड करते हैं उसको दे के आप इस मामले को बेहतर कर सकें। यहाँ पे एक चीज़ और, इस दौरान में लिटिगेशन और स्पेशली फाइनेंस से मुतल्लिक लिटिगेशन, अगर आप कोई धोखाधड़ी हो चुकी है कोई आपने, तो लिटिगेशन की तरफ इस ड्यूरेशन में नहीं जाना अनटिल के वीनस जो है यहाँ से ना निकल जाए। वीनस का भी इससे निकलेगा, उसके लिए आपको हमारे साथ जो है वो कनेक्टेड रहने की ज़रूरत होगी। अच्छा जी, तीसरी चीज़ ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि आपको फाइनेंसिस को जो है वो थोड़ा बैलेंस करके चलाना है। अब अखराजात उस तरीके से जो है वो बढ़ रहे हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड थे, और इनकमिंग आउटगोइंग में बैलेंस करना अब आपका काम होगा। 26 सितंबर को मरकरी जो है वो आपके जायचे के 7th पार्ट में आ जाएगा, तो आपके एम्प्लॉयज जो हैं वो भी कुछ इंटरफेयर कर सकते हैं आपके शादी इज़दवाजी मामलात में। लेकिन दूसरी तरफ मरकरी जैसे मैंने कहा था, तो आप खुद भी कन्वर्सेशन की तरफ जो है वो चलेंगे। ठीक इसी तरह आपके अपने जो सिबलिंग्स हैं, तीसरे घर का लॉर्ड है, वो भी कुछ इंटरफेयर आपके शादी इज़दवाजी मामलात में जो है वो कर सकते। अब आपने करना क्या है, आपने सुननी सब की है, लेकिन डायरेक्ट किसी को भी अपने स्पाउस के साथ या अपने वर्किंग पार्टनर के साथ जो है वो डायरेक्ट आपने नहीं होने देना, तो ये बात का भी आपने ख्याल करना है। फिर आप अपनी डेली रूटीन्स, आपकी जो जब भी सन जब भी सेवंथ हाउस में और स्पेशली साइन ऑफ लिब्रा में आता है, तो जो आपकी डेली कन्वर्सेशन, डेली के जो रिलेशनशिप होते हैं आपके, वो भी थोड़े से डिस्टर्ब होते हैं, तो आपने इसको भी अपनी बेहतरीन पॉलिसीज से जो है उसको बैलेंस करने की कोशिश करनी है। कुछ प्रोग्राम बने बनाए आपके बहन भाइयों के साथ जो है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, और ये भी एक कॉज बन सकता है आपके शीख याद के साथ आपके रिलेशनशिप में थोड़ी सी फ्लक्चुएशन का, सो इसके ऊपर आपने ख्याल करना है। नज़दीकी ट्रेवल करें तो अपने डॉक्यूमेंटेशन का जो है वो आपको बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। खानगी मामला के हवाले से मैं ऑलरेडी पिछले वीक में आपको कह चुका हूँ, आपको बहुत ही मोहतात रहना है। अलबत्ता आपकी जैसे मैंने कहा था कि विजडम आपका डिवेलप होगा, इसको यूज़ करते हुए आप अपने रिलेशनशिप को बेहतर बना सकेंगे, आप अपनी डेली रूटीन्स को जो है बेहतर बना सकें। आपके अज़दवाजी मामलात को बैलेंस करने में जो है वो कुछ किरदार जो है वो आपके बड़े बच्चे भी अदा कर सकते हैं, सो ये आपके लिए एक अच्छा चांस जो है बनेगा। सुशाली जो कारब हों, अपने आपके बहन भाइयों, इनके साथ रिलेशनशिप अगले दिनों में मुझे आपका जो है वो डिवेलप होता नज़र आता है, और मैं ये देख रहा हूँ कि शायद आप जो है वो अगले दिनों में अपनी एजुकेशन स्पेशलाइजेशन के हवाले से कोई बड़ा फैसला जो है वो ले सकते हैं, कोई चेंज आ सकता है, कोई वीज़ा वगैरह अप्लाई करने के लिए भी आप जो है वो अपनी चीज़ों को जो है वो आगे बढ़ा सकेंगे, और जो कुछ आपके लाशौर में है उसको भी आप जो है वो डिलीवर करने की तरफ जाएंगे। वीनस चूँकि मटीरियलिज्म का प्लेनेट है, इसलिए आपको अनएक्सपेक्टेडली जो मटेरियलिज्म से मुतल्लिक आपके मामलात हैं उसमें चेंज जो है वो नज़र आएगा, फ्लक्चुएशन नज़र आएगी, स्पेशली आपके अपने भी, और अगर आप शराकतदारी में काम कर रहे हैं तो भी। अब आपको फ़ायदा तो अभी भी होगा, बट ये फ़ायदा आपको कुछ मिले जुले अंदाज में मिलेगा, आपको जिस तरह से पहले फ्लो था वो नहीं है, और ये भी एक वजह बनेगी आपकी फाइनेंसिस की अपकमिंग में और आउटगोइंग में, ये थोड़ा बैलेंस जो है वो थोड़ा सा आउट होता नज़र आता है। मैंने हर बार मैं कहता हूँ, इस बार फिर कहूँगा, आपके लिए बेहतरीन स्टोन जो है वो कोरल है, मरजान अपने हाथ में पहनिए, आपके लिए बहुत ही जो है वो ज़बरदस्त इंशाल्लाह साबित हो सकता है, और स्पेशली इसलिए भी कि इस वक्त मार्स जो है वो चूँकि डेबिलेटेड हाउस में है, तो ये जो है वो आपको एनर्जीज में कमी का एहसास जो है वो दिलाएगा, तो इसको आउटसोर्स से पूरा करने के लिए मरजान एक बेहतरीन स्टोन आपके लिए जो है वो साबित हो सकता है। अगर आप किसी भी वजह से मरजान अफोर्ड न करते हो, सबसे पहले तो मरजान नहीं अफोर्ड करते, तो फिर रेड अगेट यानी कि सुर्ख अकीक, और वो भी अच्छी क्वालिटी का लेके जो है वो आप पहले, दोनों में प्राइस डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको इजी जो है वो इसको आप इंशाल्लाह अफोर्ड कर पाएंगे, वो पहन लें आप। ख़वातीनो हज़रात अपने अपने अंदाज में जो है वो किसी भी तरीके से इसको पहन सकते हैं, लेकिन स्टोन का रियल होना ये पहली शर्त है। बेहतरीन जेम्सों के लिए आप हमारी वेबसाइट jawajem.com विजिट कर सकते हैं, ये व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करके तो आप अपने लिए स्टोन जो है वो हासिल कर सकते हैं। इजाज़त चाहूँगा इस उम्मीद के साथ कि हमेशा की तरह आप अपनी दुआओं में जरूर याद रखेंगे, वीडियो के बारे में अपनी राय से जरूर आगाह किया करें।
हमारा अगला जोडिक साइन टॉरस। टॉरस ही आपका वीकली हॉरोस्कोप है 22 से 28 सितंबर। आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा टॉरियन? इस हफ्ते में अहम तब्दीलियां हैं। सन जो है वो अपना घर चेंज कर रहा है, आपका अपना साइन लॉर्ड वीनस ये घर चेंज कर रहा है। इसके अलावा मरकरी जो है वो अपना घर चेंज करेगा। ये तीनों तब्दीलियां आपके लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा अहम होंगी। अगले दिनों में आपको कुछ ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है जो कि फ़िलहाल आपके प्लान में नहीं थी। मजबूरी ये होती है, मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि ये चीज़ें सारी आपको बताने का मकसद डराना नहीं है, आपको समझाना और आपको अवेयरनेस देना है। चूँकि जो प्लैनेट्स की मूवमेंट्स होती हैं वो किसी के इख्तियार में नहीं, तो हमने सिर्फ क्या करना है कि जो मूव हो रहा है वो आपको बताना है कि अब एक्सपेक्टेड तौर पर जो है वो ये कुछ हो सकता है। आलम कुल तो परवरदिगार की ज़ात है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि ये तमाम प्लैनेट्स ये आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे अगर आपने परवरदिगार की मंशा और उसकी रजा जो है वो हासिल कर ली। इनको तब्दील करने का जो पावर, जो अथॉरिटी है, वो सिर्फ और सिर्फ परवरदिगार के पास है। सो इस चीज़ पे आपको जब वो फोकस करना है। ये सब इंडिकेशन है, एहतियाती तदाबीर है। मौसम के साथ जैसे हम अपने लिबास, अपनी गजा तब्दील करते हैं, उसी तरह जो स्यारगन की जब तब्दीली आती है तो हमारे मिजाज पे, हमारे रवैयों पे जो उसके असरात मुरतब होते हैं, हमें उनको बैलेंस करने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है, ये मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा। 22 सितंबर को सन जो है वो आपके जाइचे के छठे घर में आ जाएगा। सन के छठे घर में आने से आपकी तवज्जो ऑलरेडी जो जॉब के ऊपर बहुत ज़्यादा थी वीनस की वजह से, वो मज़ीद जो है बढ़ जाएगी। कुछ आप अपनी फिटनेस के ऊपर जो है वो काम करेंगे, जो साथ काम करने वाले हैं, जो कुलीग्स हैं, उनके ऊपर आपका फोकस जो है वो बढ़ेगा। और ये कुदरत की एक ऐसी खूबसूरत जो है वो उसने तदबीर, मैं इसको कहूँगा इतना खूबसूरत उसने तदबीर है कि वीनस जो है वो अब 23 तारीख को चला जाएगा आपके जायचे के सातवें घर में। यहाँ पे थोड़ा सा कमज़ोर होगा लेकिन उसकी इस कमज़ोरी का जो इम्पैक्ट आपके छठे घर पे आ सकता था उसको कवर करने के लिए आपकी तवज्जो कुदरत जो है वो उस तरफ ममदूल करवा रही है। तो ये चीज़ें अच्छा, घर सवारी प्रॉपर्टी की तब्दीली, खरीदो फरोख्त के वाले से भी कुछ रुकावटों का आपको सामना करना पड़ सकता है। अपने पेरेंट्स के साथ आपको बड़ी एहतियात के साथ चलना है, इनके साथ किसी भी किस्म का इख्तलाफ जो है वो आपके लिए बेहतर नहीं होगा। हालांकि आपको नज़र आ रहा हो कि वालदैन वो कुछ आपके लिए बैरियर्स खड़े कर रहे हैं, कुछ रुकावटें, फिर भी जो हुक्म है वो ये है कि आपको सब्र का जो है वो मुजाहरा करना है। और इसके बाद मैं ये भी कहूँगा कि ऐन मुमकिन है कि आपको अपने घर से कहीं दूर जो है वो अपने वर्क के लिए जो है वो जाने की ज़रूरत पड़ सकती है जी। वीनस 23 सितंबर को छठे घर से निकल के सातवें घर में आ जाएगा। इसका सातवें घर में आना ये आपके लिए कुछ मिला जुला इम्पैक्ट होगा। मैं तो कदरे इसको बेहतर ही कहूँगा बिकॉज के सेवंथ फॉर्मेशन बहुत अच्छी होती है। सेवंथ हाउस का लॉर्ड ऑलरेडी आपका जो है वो डेबिलिटेड हो चुका है। मैं इसके बारे में बात कर चुका कि मरीख आपके जायचे के तीसरे घर में है। आपके स्पाउस के जो है कुछ इख्तलाफात आपके बहन भाइयों, आपके अजवाजी जो जो आपके सिबलिंग्स हैं उनके साथ कुछ जो है वो मामला डिस्टर्ब हो सकते हैं। और इसमें एक बहुत बड़ा किरदार जो है वो आपके अपने सिबलिंग्स का भी होगा। अब दो चीज़ें यहाँ पे इकट्ठी हो गई। मैंने अपनी ग्रैंड वाली वीडियो में भी कहा था, पिछले वीक में भी कहा था कि मार्स और मून दोनों जो हैं वो इस वक्त डिस्टर्ब, तीसरा घर आपका बुरी तरह से डैमेज हो रहा है। नज़दीकी सफरों का कोई प्लान बना बनाया जो है वो आपका डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन इस हफ्ते के एंड पे कोई प्लान दोबारा बन भी सकता है और कुछ आपकी कन्वर्सेशन अपने सिबलिंग्स के साथ मामलात को बैलेंस करने की तरफ जो है वो ज़रूर इंशाल्लाह मतवज होगी। अज़दवाजी मामलात में जो खराबियाँ मार्स की वजह से जो है आनी शुरू हुई थी उसको बेटरमेंट की तरफ लेके जाने में कुदरत आपको जो सपोर्ट कर रही है वो वीनस की शक्ल में कर रही है। सातवें घर में वीनस आपकी तवज्जो इस तरफ, दूसरी सेकंड प्रायोरिटी आपकी जो है वो आपके इशराकती अज़दवाजी मामलात होगी। अगर हम मुश्तरकम तौर पे काम कर रहे हैं और जो वर्किंग पार्टनर है उसके साथ कुछ मामला डिस्टर्ब हुए थे तो वो भी अब इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो है वो बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। मुश्तरक मफादात के जो प्रॉफिट्स है वो आपको जो है वो मिलने शुरू हो जाएंगे। आपकी शादी तय पाने के इम्कान एक बार फिर जो मैं कहूँगा कि रोशन होंगे, लेकिन मरीख के हबूद की वजह से मैं ये भी कहूँगा कि एहतियात कीजिएगा। अब यहाँ से वीनस ने जो है वो ट्राइन बनानी है आपके सेवन्थ हाउस के लॉर्ड मार्स के साथ, लेकिन अभी ये टाइम दूर है तो अपकमिंग डेज में मजीद इंशाल्लाह इसमें बेहतरी जो है वो मतवक्को होगी। 26 सितंबर को मरकरी जो है ये आपके जायचे के सिक्स पार्ट में आ जाएगा। मरकरी यानी कि सैयारा तारत, और मैंने
पिछली किसी वीडियो में मैंने पता नहीं मुझे किस जोडिक साइन वाले को मैंने कहा था, मेरा ख्याल है जहाँ तक ख्याल है कि एरीज वालों को मैंने शायद कहा था कि मरकरी जब भी छठे घर में आता है तो ये कुछ हासदीन को, कुछ ऐसा काम करने वाले को जो कि ऐसे अलूम को इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आपके लिए हार्मफुल हों, जो कि मुनासिब नहीं होंगे, उनको भी एक्टिवेट करता है। अब छठे घर में मरकरी का आना, इट्स मीन के कुछ फाइनेंशियल मामलात भी आपके जो है वो सर उठा रहे हैं। आप अपने मामलात को अपनी जॉब वर्क प्लेस पे अच्छी परफॉर्मेंस दे सकेंगे, इसके बावजूद आप ये भी काम जो है वो भी कर सकेंगे। और आपके अगर बड़े बच्चे हैं तो वो थोड़ा सा अपोजिशन में आपके जा सकते हैं। कई एक लोग टॉरस के जो कि स्केल 12 से 14 की एजुकेशन जो है वो ले रहे थे, वो शायद अब जो है वो अपने प्रोफेशनल कैरियर को स्टार्ट करें, कहीं जॉब की तरफ जो है वो आमादा हो सकते हैं। आप अपने वर्क प्लेस पे बड़े ही डिप्लोमेटिक अंदाज से जो है उस मामले को जो है वो आगे लेके चलेंगे और वर्क को जो है वो आप बेहतर तौर पर परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। एक से ज़ायद कामों की तरफ जो है वो आपकी तवज्जो हो सकती है। आप अगर कोई पहले जॉब कर रहे हैं तो उससे साथ साथ आप पैरेलल कोई और जॉब भी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी फाइनेंस के ऊपर आएगा और इंशाल्लाह ये इम्पैक्ट फिर पॉजिटिव होगा जी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ, जैसे मैंने कहा कि कुछ नज़रबाद हसद का इसका भी सिलसिला रहेगा, तो इसके लिए आपको चाहिए कि रोज़ाना 9 मरतबा सूरह फलक, सूरह नास पढ़ना अपने मामूलात में जो है वो आपको शामिल कर लेना है। अब छठे घर पे आपकी फोकस शौरी लाशौरी तौर पे बहुत ज़्यादा जो है वो मुझे होती नज़र आती है। और जो वो लोग जो कि अपना काम कर रहे हैं, जो कि एम्प्लॉय नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉय जिसको हम कहते हैं, वो काम कर रहे हैं, सोल प्रॉपर्टर हैं आप, तो आपका फोकस भी इस तरफ होगा कि आपको अच्छे एम्प्लॉय मिल सकें जो कि आपके कैरियर रोज़गार के मामलात में आपको जो है वो आगे बढ़ने में मदद जो है वो फराहम करें। सो एक मिला जुला इम्पैक्ट यहाँ पे भी आपको मिलेगा, आपके ससुराली जोकारब और आपकी जो मदर लॉ है उनके साथ आपका रिलेशनशिप इस बार जो है वो काफ़ी बेहतर रहते मुझे नज़र आते हैं। स्पेशली विक्टोरियन खवातीन के लिए ये मामला काफ़ी हद तक जो है वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह बेहतर रहता मुझे नज़र आता है। लेकिन आप मेल हो, आप फीमेल हो, आपको अपने बहन भाइयों को जो है और आपके नए एम्प्लॉयज़ को जो है वो अपने शाक्ति अजवाजी मामलात में इंटरफेयर करने नहीं देना, और आपको बैलेंस करना होगा अपनी रिलेशनशिप के जो मामलात हैं उसको टाइम देने में और अपनी जॉब अपने काम को जो है इसको टाइम देने में, दोनों चीज़ों में अब आपको थोड़ा बैलेंस करने की ज़रूरत होगी। आपको अपने स्टमक का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है, खुदा न खासा किसी इन्फेक्शन का सामना जो है वो आपको हो सकता है जो कि डायरेक्ट आपकी निज़ाम हज़म को या आपकी किडनी को जो है यहाँ पे डैमेजेस जो है वो आपने मिल सकते हैं। और मरकरी मैंने मोस्टली देखा ये इन्फेक्शन का बायस बनता है और छठे घर में, तो फिर आपको इस सेक्शन में बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। डेफिनेटली अगर किडनी डिस्टर्ब होंगे तो फिर आपको अपनी यूरिन साइड पर जो है वो प्रॉब्लम इसकी जो है महसूस हो सकती है। अगर ऐसा कुछ महसूस करें तो पहली फुर्सत में डॉक्टर के पास जो है वो रुजू कीजिएगा। आपके लिए बेहतरीन स्टोन जो है वाइट टोपाज है, इसके अलावा आप मोजोनाइट पहन सकते हैं, आप ब्लू टोपाज पहन सकते हैं। और जैसे कि मैंने अभी कहा, जॉब को अगर बेहतर करना चाहते हैं तो फिर आप अपने हाथ में जो है वो एक वाइट ओपल पहनी है, ये आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। और अगर आप जॉब नहीं करते, आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं, अपना काम करते हैं, किसी भी स्केल पे करते हैं, तो ब्लू सफ़ायर और ये जो है डार्क ब्लू कलर का एक सफ़ायर, ये आपके कैरियर आपके रोज़गार में तरक्की में जो है वो परवरदिगार के फजल से मावनत आपके लिए जो है वो फ्राहम करेगा, आपकी ख्वाहिशात की तकमील, ओवरसीज ट्रैवल, ये तमाम जो है वो आपके ब्लू सफ़ायर से जो है कनेक्टेड होंगे। बेहतरीन जमसों के लिए आप हमारी वेबसाइट javajam.com विजिट कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर पुश कर लीजिए ताकि बर वक्त आपको तमाम वीडियोज़ मिलती रहे। शरफ कमर की वीडियो आपके लिए पहले ही अपलोड हो चुकी हुई थी, अगर आपने अभी तक नहीं देखी जरूर देख ली। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको 20 तारीख से पहले जो है वो मिल चुकी होगी। जेमिनी वीकली हॉरोस्कोप 22 से 28 सितंबर, आपका ये हफ्ता कैसा गुजरा? जेमिनी, उम्मीद करता हूँ बफ़ज़्ल ताला आप खैरियत से होंगे। इस हफ्ते में आपके लिए बहुत सारी अच्छी खबरें हैं और एक खबर कदरे मोहतात रहने की भी है। तीन तब्दीलियाँ हैं, सन जो है वो अपना घर चेंज कर रहा है और ये आपके जायचे के पाँचवें घर में आ रहा है, ये एक बहुत अच्छी खबर है। दूसरी खबर ये है कि वीनस जो है वो अपना घर चेंज कर रहा है, जो कि आपकी हेल्थ, आपकी जॉब और आपके साथ जो काम करने वाले और कुछ बच्चों से मुतलका
मसाइल को जो है वो वाजे करता हुआ नजर आता है। इसके अलावा भी चीजें हैं, मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। मरकरी जो कि आपका अपना साइन लॉर्ड है, ये आपके जाहिर के पांचवें घर में आ रहा है, जिसका कि डेफिनेटली आपके ऊपर बहुत अच्छा इंपैक्ट जो है वो आने वाला है। क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं इसके ऊपर मैं बात करूंगा, लेकिन बात करने से पहले दो चीजें। एक तो ये कि अभी भी आपके पास टाइम है, शर्फ़े कमर की वीडियो जो है वो अपलोड हो चुकी हुई है, वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी 20 सितंबर को जो है वो वीडियो है वो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और आपको उसके साथ ही हमने एक ऑफ़र दी थी 21 सितंबर तक, आपके इंडिविजुअल होरोस्कोप के ऊपर जो है वो डिस्काउंट ऑफ़र है, उसको भी देख लीजिएगा। पोस्टर आपके सामने जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। दूसरी चीज़, चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर पुश कर लीजिए ताकि बर वक्त आपको तमाम वीडियोस मिलती रहें। दीगर जो प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे सोशल मीडिया के, उसके वहाँ पे हम इन वीडियोस के अलावा बहुत कुछ जो है वो आपके साथ शेयर जो है कर रहे हैं, सो उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहली तब्दीली आएगी 22 सितंबर को, जबकि आपके जायचे के पांचवें घर में सन आ जाएगा। ये साइन ऑफ लिब्रा में है, यहाँ पे आके ये बड़ा ही मोतीदिल अंदाज में जो है वो चलता है। अब इसकी जो अग्रेशन है, जो चीज़ें हैं वो कम हो जाती हैं। और फिफ्थ फॉर्मेशन में सन को हमेशा बहुत ही जो है वो ज़बरदस्त इम्पैक्ट का हामिल जो है माना गया। ये इसके पांचवें घर में आने से आपकी बहुत सारा फोकस जो है वो अपनी एजुकेशन की तरफ आएगा, आपका बहुत सारा फोकस जो है अपनी लव लाइफ की तरफ जो है वो आएगा। ऑलरेडी यहाँ पे हुआ मंगनी जैसी तकरीबात के लिए अभी भी आपके लिए मौके जो है मौजूद होंगे। इसके अलावा आपका फोकस आएगा जी अपनी एजुकेशन स्केल 12 से 14 की, और कुछ लोग जो है वो जंप भी करना चाहेंगे ऑफिशियल से जो है वो अब जो है मतलब एजुकेशन से ऑफिशियल की तरफ जो है वो जंप करना चाहेंगे। आपके लिए टाइम कैसा मैं आगे बताता हूँ, लेकिन अभी मैं सन को जो है वो डिस्कस करूँगा। ये चीज़ें जो हैं वो आपकी इस तरफ आ रही हैं। इनाम स्कीम में पार्टिसिपेशन करना आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। विजडम आपका डेवलप होगा, गवर्नमेंट सेक्टर से बड़े फवायद का सुल मुमकिन जो है वो आपके लिए होगा, लेकिन आपको जल्दबाजी का मुजाहरा जो है वो कतई तौर पे नहीं करना। ये बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा बहन भाइयों जो कारब के साथ मिलकर कोई इंटरटेनमेंट्स के प्रोग्राम जो है वो अगला पूरा एक महीना जो है वो ये तकरीबन जारी रहेंगे। वक्तन फ़क्तन आपको इसके जो है मौके इंशाल्लाह जो है वो भी मिलते रहेंगे। यहाँ पे एक और जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो होगा कि वो लोग जेमिनाइज के जो कि सूले औलाद के लिए कोशा हैं, परवरदिगार के फजल से आपको औलाद नरीना की खुशखबरी जो है वो यहाँ पर मिल सकेगी। आप जैसे कि मैंने कहा था कि आपकी तवज्जो आएगी अपनी एजुकेशन सेक्टर की तरफ। फिर 26 को यहाँ पे मरकरी भी आ जाएगा, तो आप कोई बड़ा डिसीजन जो है वो ले सकते हैं। अब यहाँ पे दो रास्ते आपके पास आएंगे, या तो आप जो है अपनी एजुकेशन को मजीद किसी एक लाइन को डिसाइड करके तो उस तरफ चले जाएंगे, या आप यहाँ से जो है वो जैसे मैंने कहा कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को जो है वो स्टार्ट करने की तरफ जाएंगे। अब यहाँ पे जो सवाल है अहम तरीन वो ये कि आपके लिए बेहतर क्या होगा, तो आपके लिए बेहतर ये होगा कि अभी जंप जो है वो बिल्कुल ना करें। ये वक्त आपकी एजुकेशन लेने का है, क्योंकि आपके छठे घर में जो है वो वीनस चला जाएगा पांचवें का लॉर्ड होते हुए, तो ये आपको यहाँ पे प्रॉब्लम करेगा प्रॉपर जो है वो डिसीजन मेकिंग में भी और प्रॉपर जो है परफॉर्मेंस में भी। फिर छठे घर का लॉर्ड ऑलरेडी आपका डेबिलिटेड है खानमाल में, तो अगर आप अपनी फाइनेंसिस को बेहतर करने के लिए इस तरफ जाना चाह रहे हैं तो ये आपके फाइनेंशियल डिज़ायर्स को जो है कवर अप नहीं करने का देगा, सो ये टाइम इस काम के लिए बेहतर नहीं है। अब जब वीनस आ रहा है आपके पांचवें का लॉर्ड होके छठे घर में, तो ये इस चीज़ को भी शायद जाहिर करता है कि आपको अपने बच्चों की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ सकती हैं, स्पेशली जो आपकी बेटियां हैं, जो बेबी डॉल्स हैं आपकी, उनकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ बैरियर्स आपके सामने जो है वो आ सकते हैं, जिसकी वजह से आप प्रॉपर परफॉर्मेंस भी जो है वो नहीं दे पाएंगे अपने वर्क प्लेस पे। यहाँ पे एक चीज़ और आपसे कहूँगा कि आपके अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं या इलीगल कोई अफेयर्स हैं, तो ये भी अब आपके लिए प्रॉब्लम का बायस जो बन सकते हैं। आपकी हिडन एनिमीज जो है वो ओपन होके आपके सामने आ जाएंगी, और आपको इन चीज़ों से बचना चाहिए, अदरवाइज आप किसी लीगल मैटर में जो है वो इन्वॉल्व हो सकते हैं या आप फंस सकते हैं खुदा नखास्ता, तो इस मामले में आपको एहतियात करनी है। हर जुमे को 600 ग्राम चीनी का सदका देना अपना मामूल बनाइए, अनटिल के वीनस जो है वो स्कॉर्पियो से निकल के तो सजिटेरियस में नहीं चला जाता। जैसे कि मैंने बताता हूँ हर बार कि ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, वेस्टर्न ईस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में बुनियादी कुछ फ़र्क जो है वो प्लैनेटरी पोजिशन का जो है वो आता है, तो ये मैं आपको अकॉर्डिंग टू इस बता रहा हूँ।
या मैं ये भी बताऊंगा आपका सेंडेंट आपका जो है वो जेमिनी हो, आपका मून साइन जेमिनी हो, आपका सन साइन जेमिनी हो, प्लैनेट्स की ये पोजीशन आपको इम्पैक्ट जो है वो डेफिनेटली देने वाली है। स्पेशली असेंडेंट और सन के साथ अगर आप इसको देखेंगे तो आपको ज़्यादा रेलिवेंट चीज़ें जो है वो मिलने में आपको नज़र आएंगी कि ये ज़्यादा रेलिवेंट जो है वो चीज़ें हैं। अच्छा जी, उसके बाद चूँकि वीनस आपके 12वें घर का भी लॉर्ड है और ये अब छठे घर में अगर बवाल में जा रहा है तो आपको फॉरेन लैंड से वापस भी आना पड़ सकता है कुछ हेल्थ इश्यूज़। और मैं स्ट्रॉन्गली कहूँगा कि अगर आप पाकिस्तान से बाहर जॉब पे हैं तो फिर आपको जॉब छोड़ने की गलती नहीं करनी कतई तौर पे। वैसे तो किसी भी जमानाई को इस वक्त जॉब जो है वो नहीं छोड़नी क्योंकि छठे घर का लॉर्ड भी हबूत में है। मरकरी जी, मरकरी आ रहा है 26 सितंबर को आपके 5वें घर में जो है आ जा रहा है। यहाँ पे जब भी मरकरी आता है तो ये आपको नॉलेज गेन करने की तरफ जो है वो आगे बढ़ाता है। फिर चूंकि 5वां घर भी ये है और फिर 3रे घर का लॉर्ड भी यहाँ पे है तो आप माइट के अपनी कई एक चीज़ों को अब जो है वो ऑनलाइन सेल करने की तरफ चले जाएं, अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकें, अपने आइडियाज़ को जो है आप ऑनलाइन जो है वो डिलीवर करने की तरफ भी जा सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा टाइम होगा इस हवाले से। लेकिन चूंकि साइन ऑफ लिब्रा है तो ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज भी करेगा, जल्दबाजी में फैसला ना करिएगा, मशावरत से करेंगे तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा। मशावरत किससे करनी है, देखें इसमें मैं आपको स्ट्रांगली बताऊँ, इस वक्त आपके दोस्त आपको सही मशावरत जो है वो नहीं दे सकते। आपको कोई लॉयल पर्सन देखना है, आपको कोई ऐसा पर्सन देखना है जिसका जो गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई मामला हो, जिसका एजुकेशन से मुतल्लिक हो, लॉ या जुडिशरी से मुतल्लिक हो, ऐसा कोई पर्सन अगर आपकी नज़र में है नहीं है तो प्रोफेशनली हायर कीजिए और उनके साथ मशावरत कीजिए कि ये टाइम आपके लिए फैसला जो आप करने जा रहे हैं वो कैसा है। और जो भी आपके नए एग्रीमेंट्स हों, जो भी आपको जो हो उसको लीगली जो है वो राइटिंग में लेके आए और फिर इसको स्टार्ट कीजिएगा। ये आपको इस वक्त गवर्नमेंट सेक्टर में कोई बड़ी पोजीशन जो है वो दिलवा सकता है। सन और मरकरी का दोनों 5वें घर में जो वो इकट्ठा होना, इवन के आप कोई एज ए एडवाइज़र जो है अपॉइंट हो सकते हैं, एज ए सेक्रेटरी आप जो है वो अपॉइंट हो सकते हैं। और अगर आप जमा नहीं हैं, आप ऑलरेडी किसी भी तरह गवर्नमेंट सेक्टर में हैं तो फिर नई जिम्मेदारियों के लिए आपको जो है वो मेंटली प्रिपेयर रहने की ज़रूरत है जी। यहाँ एक चीज़ और बहुत अच्छी हो रही है, मूवमेंट्स स्टार्ट हो जाएंगी इस वीक के तकरीबन एंड तक जाते जाते कि आपका सैटर्न और मार्स जो है ये ट्राइन में आ रहे हैं, आएगा ये अगले वीक में प्रॉपर डिग्रीज। लेकिन जैसे ही ये करीब होने शुरू हो जाएंगे इस वीक के एंड पे तो आप देखेंगे कि मामला जो है वो बनने शुरू हो गए। आप अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स जो है वो उठा सकेंगे। आप अपने वर्क प्लेस पे पहले से कहीं ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिकल अंदाज में जो है चलना शुरू हो जाएंगे। कैरियर रोजगार के हवाले से कोई बिग डिसीजन और बिलखसूस अब प्रैक्टिकल आपको जो है वो करना, आपको फिजिकल करना पड़ेगा। जेमिनीज मोस्टली जो है ये कम्युनिकेशन का काम बहुत अच्छा कर लेते हैं, मार्केटिंग का काम बहुत अच्छा करते हैं, टेबल का काम बहुत अच्छा करते हैं। ट्रैवल करके कहीं जाना है, लोगों के साथ मिलना मिलाना है, उनके साथ कन्वर्सेशन करनी है, कुछ चीज़ें डिलीवर करनी है, एक बेहतरीन डिप्लोमेट और एक बेहतरीन प्रीचर होते हैं, किसी भी चीज़ को बेहतर अंदाज में जो है वो डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इस हफ्ते से आपको कुछ प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स का जो है वो बायस बन सकता है। आपकी जॉब स्पेशली जो है सिक्योर हो सकती है, सीनियर के साथ आपके रिलेशनशिप में जो है बेटरमेंट आपको इसकी वजह से मिल सकती है। मज़ीद बेहतर करना चाहते हैं अपने आदमी एक एमरल्ड पहन लीजिए, एमरल्ड अवेलेबल नहीं है, पेरीडॉट पहन लीजिए, पेरीडॉट अवेलेबल नहीं है, टूरमलिन पहन लीजिए, संगयेशप पहन लीजिए, ग्रीन गेट पहन लीजिए। लेकिन ग्रीन कलर का कुछ स्टोन अपने हाथ में लाजमी आपको जो है अब वेयर करना है ताकि आप ये जो मरकरी और सन इकट्ठे हुए हैं ना 5वें घर में, आप इसका भरपूर तरीके से जो है वो फ़ायदा आप हासिल कर सकें। फैमिली की भरपूर सपोर्ट आपको मिलेगी, छोटे भाइयों की बिलखसूस, या जो भी आपके से छोटे हैं वो आपको बहुत बड़े यहाँ पे जो है बेनिफिट दे सकें। आपके बच्चे अगर बड़े हैं तो आपको उनसे मशावरत में भी बहुत अच्छा मिलेगा और उनके इज्जत वकार में भी इजाफा होगा और आपको बच्चों की तरफ से काफ़ी जो है वो कम्फर्ट जोन में आप जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं और इंशाल्लाह ये टाइम आपके लिए बहुत ज़बरदस्त साबित होगा। बेहतरीन जम्सों के लिए हमारी वेबसाइट jawajam.com विजिट कर लीजिएगा या व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करके तो भी आप स्टोन जो है वो हासिल कर सकते हैं। कैंसर, ये आपका वीकली हॉरोस्कोप है 22nd to 28th September, आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। कैंसरियन, पिछला हफ्ता आपके लिए बहुत टफ था, मैंने उसमें आपको बताया था कि आपका
जो अपना साइन लॉर्ड है उसको जो है वो ग्रहण की सिचुएशन से गुजरना पड़ा 18 तारीख को। लेकिन उसके साथ ही कुदरत ने आपके ऊपर मेहरबानी भी की कि शफे कमर भी हुआ और वो भी जाहिर के 11वें घर में, गुड़लक के घर में। सिचुएशन अब क्या है, जब ये हफ्ता स्टार्ट होगा तो मून होगा आपके जाइचे के 12वें पार्ट में, 2.25 दिन यहाँ पे रहेगा, यानी तकरीबन ये 24 तारीख तक तो कंफर्म यहाँ पे है। 24 को किसी टाइम ये चला जाएगा और फिर 25 से लेके 25, 26, 27 ये 3 दिन समझ लीजिए आपके फर्स्ट हाउस में होगा, वहाँ पे जहाँ पे के मार्स भी है। तो आप दो चीज़ें बहुत ही अहम होंगी, एक तो आप बहुत ही एनर्जेटिक होंगे और बड़ी क्लियर बात है कि आप अपने कैरियर रोजगार जहाँ पे कि मार्स इसका लॉर्ड है उसके हवाले से कोई इनिशिएटिव जो है वो ज़रूर लेते मुझे नज़र आते हैं, और ये बड़ा ही पावरफुल आपको टाइम मिलना है। मार्स बेशक यहाँ पे डेबिलिटेड है लेकिन चूंकि आप खुद बहुत स्ट्रांग होंगे, मून यहाँ पे बहुत स्ट्रांग होगा, तो ये जब मीटअप करेंगे तो डेफिनेटली आप इस हवाले से कोई काम जो है वो इनिशिएट कर सकते हैं। वालिद से अच्छा रिस्पांस आपको मिल सकता है, एक से ज़ायद कामों की तरफ, बिलखसूस ऑनलाइन का अगर कोई काम है, चूँकि 5वां घर भी इन्वॉल्व है तो उसमें भी आप कोई इनिशिएटिव ले सकते हैं, और बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो आप कोशिश करेंगे कि इस टाइम को आप पूरा ग्रैब कर सकें और कोई काम जो है वो आप ले सकें। विजडम आपका डेवलप होगा, आपको तरक्की मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप कहीं जॉब पर्सन हैं और कहीं नई जगह पे अपॉइंट होने का कोई आपका था या कोई नई डेजिग्नेशन की तरफ आपका ट्रेवल जारी था, उसमें आपको सक्सेस जो है वो मिल सकती है। इसके अलावा इस हफ्ते में जो दीगर आपके लिए बहुत अच्छी खबरें हैं उनकी तरफ जाने से पहले दो ऐलानात आपके लिए। एक तो ये कि अगर आपने शफे कमर की वीडियो अभी तक नहीं देखी जो कि 20 सितंबर को था, आपके पास ये वीडियो पहले की आ चुकी होती है तो उसको ज़रूर देख लें, इस पर उसमें आपके लिए बहुत कुछ जो मैंने दिया था। दूसरा अगर अच्छी दूसरी भी चीज़ जो है वो हमने इसके ऊपर डिस्काउंट ऑफर भी आपके लिए की हुई है। इंडिविजुअल हॉरोस्कोप आप बनवाना चाहें, अपने बारे में डिस्कस करना चाहें, अपने मामलों को मशावरत करना चाहें तो आप डिस्काउंट ऑफर से जो है वो मुस्तफीद हो सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर पुश कर लीजिए। अगली तरफ चलूँ तो 22 सितंबर को सन जो है वो आपके जाइचे के 3rd घर से निकल के 4th घर में आ जाएगा। चौथे घर में वैसे ही सन को बहुत अच्छा माना जाता है लेकिन चूंकि साइन ऑफ लिब्रा है तो यहाँ पे आके सन जो है वो थोड़ा सा माइल्ड हो जाता है। तो होगा क्या, होगा ये कि ये आपके लिए बहुत अच्छा हो गया, ये आपके लिए इस तरह अच्छा हो गया कि घर में फसादात की बजाय होल्ड होगा, कंट्रोल्ड होगा, आप जो है नेम फेम हासिल कर सकेंगे अपने मुआशरती मामलात में। ऑलरेडी वीनस यहाँ पे था तो इसने आपको इस तरफ तो मुतवज्जो करवाया होगा लेकिन अब मजीद मामला होंगे, पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप जो है वो बेहतर होंगे, मुआशरे में इज्जत वकार होगा, घर सवारी प्रॉपर्टी की तब्दीली, खरीदो फरोख के जो मामला है उसमें कुछ पेशर जो है वो हो सकती है। वीनस जो चीज़ें मवाके यहाँ पर उसने इस्टेब्लिश किए, जो जिस तरफ आपका जेन बनाया अब उसमें आपको बेहतर मिलेगा। खवातीन जो हैं हमारी किन्सीरियन बहनें बेटियां, वो अब कुछ अखराजात अपनी गिरह से भी, यानी सिर्फ हस्बैंड के नहीं अपनी गिरह से भी जो है वो लगाती मुझे नज़र आती हैं अपने फैमिली पे, अपने घर के इन्वायरमेंट को बेहतर करने के हवाले से। यहाँ पे आपको पेशरफ्त इंशाल्लाह जो है वो मिलेगी और ये एक बेहतरीन टाइम है जिसको कि आप यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद वीनस जो है वो आपके जाइचे के 4th घर से निकल के 23 तारीख को 5वें घर में चला जाएगा। इसके 5वें घर में जाना आपका विजडम डेवलप होना, आपकी मंगनी तय पाने की तरफ जो है वो पेशरफ्त जो है वो हो सकती है। दो सहबाब कोई अगर नाराज़ हो गया था तो वो दोबारा आपकी ज़िंदगी में जो है आ सकता है। एक से ज़ायद कामों की तरफ जो है वो आपकी तवज्जो होगी, बिलखसूस जो कैंसीरियन जो है वो ख़वातीन या बच्चों से रिलेटेड कोई काम करते हैं, इंटरटेनमेंट से मुतल्लिक काम करते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, आप कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं, आप कोई क्रिएटर हैं, कोई वीडियो जो है वो क्रिएट करते हैं, जैसे यूट्यूब पे बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं, आपकी आपके जो कंटेंट होगा वो बड़ा ज़बरदस्त होगा और उसमें लव कंसर्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगा। आपकी तवज्जो जो है कुछ लव अफेयर्स की तरफ भी होगी, बच्चे बच्चों की तरफ भी आपकी तवज्जो जो है बहरहाल इस तरफ भी जो है वो चलेगी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये साइन ऑफ स्कॉर्पियो है, स्पेशली कैंसीरियन खवातीन को आपको कहीं भी फिजिकल जो है वो नहीं होना, बहुत ही आपको एहतियात करने की ज़रूरत है। अच्छा जी, तीसरी चीज़ जो बहुत अच्छी होगी वो ये होगा कि आपको दोस्त अहबाब से भरपूर जो है वो तावन मिल सकेगा, स्पेशली आपकी जो फीमेल
फ्रेंड लिस्ट है फीमेल्स की, उन उनसे आपको जो है बेनिफिट मिल सकता है और आपकी होप्स जो है वो कुछ कंप्लीट हो सकती हैं, कुछ स्टेप्स जो है वो आप लेने की तरफ चलेंगे। मरकरी 26 को आपके जाइचे के चौथे घर में ये भी आ जाएगा। लाशौरी तौर पे जो आप चाह रहे थे अब उसकी तरफ आप बहुत ज़्यादा फोकस होंगे, आप अपने अपने जो इंट्यूशंस पावर है उससे अपने घर को अपनी फैमिली को जो है मज़ीद सिक्योर करने की तरफ जाएंगे। बहन भाइयों का बहुत आपके साथ ताबुन जो है वो भी मुझे मिलता नज़र आता है। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ जो है वो आपको बहुत क्लियर करना चाहूँगा, कोशिश कीजिएगा आपका कोई भी बहन हो भाई हो वो आपके खानगी मामलात में इंटरफेयर जो है वो ना करे, ये आपके लिए अच्छा है। कई बार ऐसा होता है ना कि दूसरा सिर्फ बड़ा लाइट मोड में बात करता है, जी अगर ऐसा होता तो बहुत अच्छा, तो इंसान के दिन में उसके दिमाग में एक गिरा फंस जाती है और यहीं से जो है वो एक ट्रैक पकड़ लेता है, यही गलती हो जाती है। ये वक्त ऐसे कामों के लिए कतई तौर पे बेहतर नहीं है। हाँ, आपकी अपनी जो आपकी थॉट्स हैं वो क्लियर होनी चाहिए, उसके ऊपर आप काम करें, डिक्टेशन नहीं लेनी, ठीक है। मामला को अपने ही आपने कंट्रोल में रखना है। इस हफ्ते में आपके सोशल सिबलिंग्स के साथ आपके रिलेशनशिप काफ़ी बेहतर रहते मुझे नज़र आते हैं। इसके अलावा जॉब वर्क प्लेस पे आप अच्छा जो है वो रिस्पांस दे सकते हैं, बट सीनियर जो है वो आपका थोड़ा सा नटखट जो है वो आपके लिए साबित हो सकता है, यानी वो थोड़ा ईगो का मुजाहरा कर सकता है, तो उसके साथ बहस तकरार से आपने कतई तौर पर गुरेज करना है। आपके लिए बेहतरीन स्टोन में एवरी वीडियो में कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ, आप अपने हाथ में एक जो है वो मोती पर्ल पहनिए, ये आपकी पर्सनालिटी टेरोस्कोप करेगा। और आपका जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है सन, जिससे आपको मून को जो है वो पावर मिलती है, तो आप अपने हाथ में रूबी पहनिए, ये आपकी फाइनेंशियल मामलात को भी कवर करेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस देगा, तकवीयत कल्ब के लिए बहुत अच्छा है, एनिमीज को डिफीट करने में जो है वो बहुत बेनिफिट देता है। और इस वक्त चूंकि ये आपके जायचे के चौथे घर में है तो ये आपको बहुत बड़े फवायद गवर्नमेंट सेक्टर से पेरेंट्स से जो है वो लेके देने में बफजल ताला आपकी जो है वो मदद कर सकता है। जो कुदरत ने इसमें खासियतें रखी हैं सबके लिए अलग अलग रखी हैं, एक जनरल प्रॉपर्टीज़ है, एक सबके लिए अलग अलग है, तो आपकी फाइनेंस डायरेक्ट जो है वो इससे रिलेट करती है। रूबी पेनी अपने हाथ में इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त साबित होगा। बेहतरीन जेमस्टोन के लिए आप हमारी वेबसाइट jawajam.com विजिट कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके आप अपने लिए स्टोन जो है वो डिमांड कर सकते हैं। सही स्टोन, ओरिजिनल स्टोन वो ही इफेक्टिव होता है, बाकी इफेक्टिव नहीं होते। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।